मुझे देखकर वो उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो शेरवा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहती, बस उनकी अपने घर की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी परेशान है। आप फिक्र मत करो, कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कृष्णमाला कहती है कि ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि जो कब तुम्हारी बीवी ठीक होगी, लेकिन मेरी बेटी का ख्याल रखने वाला भी यहाँ पर कोई होना चाहिए ना, मैं बिल्कुल अकेली तो ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि आप बेफिक्र होकर अगर आपको वापस जाना है तो आप चली जाएँ, मुझे अंदाज़ा है आपका बेटा भी वहाँ पर अकेला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके पास भी कोई होना चाहिए, मामा और बाबा से ही तो उसका ख्याल रख नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ चली जाएँ। यहाँ पर आपकी बेटी का ख्याल रखने के लिए मैं और दुआ है, और वो मेरी भी तो बेटी है, आप फिक्र मत करें, हम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, वहीं पर दुआ भी आ जाती है। और वो कश्माला को कहती है जी वो बिल्कुल जी कश्माला बिल्कुल नौशेरवा ठीक कह रहे हैं, आपको अगर जाना है तो आप चली जाएं, हम दोनों यहाँ पर हैं, हम आपकी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। लेकिन कश्माला को उसकी आवाज़ सुनकर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो पहले ही प्लानिंग के तहत वहाँ पर जानबूझकर गई होती है ताकि किसी तरह से वो नौशेरवा के करीब आ सके। वो दुआ से कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे पता है जो ख्याल असल माँ रखती है वो कोई भी औरत नहीं रह सकती अपने बच्चे का, बेशक आप लोग मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, लेकिन जो औरत खुद कभी माँ नहीं बनी वो मेरी बेटी का ख्याल क्या रखेगी। दुआ को उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि कश्माला उसे बताना चाहती है कि अभी तक उसकी औलाद नहीं हुई और वो कभी माँ नहीं बन सकती।